सभी साथियों को नमस्ते, राम राम। गांव किसान और पर्यावरण को समर्पित विलेज कनेक्शन चैनल पर साथियों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको ऐसे महान व्यक्तियों से मिलवाऊं जो जल, जंगल, जमीन और जीवन को बचाने के लिए जो साथी, जो महान व्यक्ति कुछ अच्छा प्रयास कर रहे हैं उन तक मैं पहुँचूँ और उनकी जानकारी, उनके सराहनीय काम को आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँ। और इसी कड़ी में मैं पहुँचाऊँ एक ऐसे किसान भाई के पास जिन्होंने मात्र 2 कनाल भूमि पर लगभग 40 प्रकार के पेड़ पौधे लगा रखे हैं जो हमारी इस धरती को हरा भरा रखने में, पर्यावरण को बचाने में अपना एक बहुत ही अच्छा योगदान दे रहे हैं। तो चलो साथियों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें और घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा दें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलो साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। जी नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी। जी इस पेड़ के बारे में आप अपने जो किसान साथी हैं उनको बताएं। ये बेलपत्र का पेड़ है जी, और इसमें फल लगता है जो गर्मी के जूस में काम आता है जी, और इसका फल जो है 1 साल की उम्र होती है जी। ये जो पेड़ है ये कितने वर्ष का हो गया? ये 5 साल का है। 5 साल का है। अभी इसके ऊपर जो पत्ते आ रहे हैं इसके साथ ही फल आ जाएगा इसका, और पूरा 1 साल लगेगा इसको, 365 दिन। जी जी। और इसके जो फल हैं इनके क्या फ़ायदे हैं? इसको गर्मी के अंदर जो है इसका जूस पिया जाता है, मेन फायदा यही है इसका। जी जी। और ये जो फल हैं ये कब तक पक के तैयार हो जाएंगे? भाई 1 साल से पकते हैं, अब ये पके हुए हैं सब। ये खेजड़ी का पेड़ है जी, इसको मैं लगाया था थार शोभा बीकानेर यूनिवर्सिटी से पौधा लेके आया था जी, पर उसकी पौंद टूट गई तो ये अपने मूल अवस्था में खेजड़ी का इधर खतरे गया। जी जी। और इसके खेजड़ी के जो सांगरी लगती है, हाँ जी, उनकी किस तरह से हम उनको प्रयोग में ला सकते हैं? खेजड़ी के जो सांगरी लगती है इसको तोड़ना जो है पहले टाइम में कठिन था, अब जो है थार शोभा के नाम से बीकानेर यूनिवर्सिटी जो नया पौधा तैयार किया है जी, उसमें कांटे नहीं होते और 3rd साल ही वो सांगरी देनी शुरू हो जाती है उस पर। और इसकी सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बनती है ना? हाँ, सब्जी इसकी स्वादिष्ट बनती है, तभी सूखी जो है इसकी जो है 1000 रुपये किलो बिक रहा है। जी जी। और जो ये पेड़ है ये नीम का पेड़ है? ये नीम का पेड़ है, आपका देखा बड़ा है। हाँ, इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसका जैसे नीम की पत्तियाँ हैं उसको जैविक खेती के, जैविक खेती के अंदर मूल नाशक बनाने के लिए, जैविक खेती के अंदर ये मूल मंत्र है इसके पत्ते जो है। जी जी। ये अर्जुन का पेड़ है जी, और इसकी साल जो है पाउडर बनाकर लिया जाए तो हार्ट के लिए सबसे बढ़िया माना गया है। जी जी। और ये जो है ये भी एक नीम की प्रजाति है? हाँ, नीम की प्रजाति है, इसको बकेण कहते हैं। हाँ, ये छाया के अंदर सबसे बढ़िया हाँ, काम आती है। इसकी जो छाया है वो बहुत ही गहरी होती है और गोल गोल होती है। हाँ जी जी। और ये जो बेल देख रहा हूँ ये अंगूर की बेल है शायद? ये अंगूर की बेल है जी, 2 बेलें लगा रखी है खुद के खाने के लिए जी, और बढ़िया इसमें ज़्यादा कोई देखभाल की जरूरत नहीं होती। अच्छा, तो इसको ऊपर ही रखना पड़ता है? हाँ, ज़्यादा इसको ऊपर ही रखना पड़ता है। अच्छा, तो ये कितनी पुरानी होगी बेल ये? ये भी जो है 3 साल पुरानी है। अच्छा, तो इसके अंगूर लगने शुरू हो गए? अंगूर लगने शुरू, हर साल ही लगते हैं अंगूर। अच्छा, तो इनका स्वाद कैसा है? मतलब ये छोटे आकार के अंगूर लगते हैं या बड़े आकार के? ये देख लो, इसमें जो आकार जो है अच्छा, और खाने में कुल मिला के टेस्टी है। जी जी। तो ये कितना प्रोडक्शन दे देती है ये बेल? ऐसा कभी ध्यान नहीं दिया इसके बारे में। अच्छा, ये आंवले का पौधा है जी, अभी जो है इसको 6 महीने पहले ही लगाया गया है। जी जी। ये अनार का पेड़ है, 10 साल पुराना है जी, इस बार इसको कटिंग किया है जी। इसके भी अनार, कौन सी वैरायटी है अनार की? ये वो क्या नाम है, भगवा। भगवा वैरायटी है? हाँ। अच्छा, ये वो जामुन का पेड़ है जी जी, और ये एक बार फिर से अनार का आ गया ये। हाँ, ये अनार का आ गया। और ये पौधे, ये फालसा। अच्छा, तो इसका आप किस तरह से प्रयोग, इसके क्या क्या फायदे होते हैं फालसा? बस फालसा जो है ये गर्मी का ही एक फल है। अच्छा, इसको तोड़ के सीधा खाया जाता है जी, और बाजार में वैसे पंजाब के अंदर जो है इसका प्रचलन ज़्यादा, अपने राजस्थान में नहीं है इतना। अच्छा, इसका बाग वगैरह भी बागवानी में पंजाब में जो है बाउंड्री पर लगा रखे हैं सब ने। अच्छा अच्छा। और 200 रुपये किलो बिकता है ये। तो ये जो आप पेड़ पौधे हैं ये लाते कहाँ से हो, कैसे वैरायटी का चुनाव करते हो आप?
ये नर्सरी से लाते हैं, उनके भरोसे पर है। अच्छा, इसीलिए कई बार गड़बड़ हो जाती है इसमें। जी जी, 3 साल बाद में पता लगता है पौधा ओरिजिनल है कि नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और ये वाला पेड़? ये करौंदे का पेड़ है। अच्छा, जिसका अचार डाला जाता है। अच्छा अच्छा, और इसके कांटे बहुत होते हैं, बाकी इसको बाड़ के अंदर ज़्यादा यूज किया जाता है। अच्छा, खेत की बाउंड्री पर? बाउंड्री पर लगा दिए हैं, फिर कोई पशु वगैरह नहीं आता अंदर। अच्छा अच्छा, इसके कांटे ज़्यादा होते हैं। कांटे ज़्यादा होते हैं। और इसके फल वगैरह भी लगते हैं? हाँ, फल लगता है इसमें, जिसमें अचार डलता है। अच्छा, अचार के लिए काम आता है? हाँ, पहले हरा रंग होता है, पकड़ने के बाद में इसका लाल रंग हो जाता है। अच्छा अच्छा, ये मीठी तुलसी का पत्ता है, पौधा है जी, जिसके 5 पत्ते खाने से शुगर कंट्रोल होता है। अच्छा, कौन सा, क्या नाम बताया आपने इसका? ये सफ़ेद तुलसी। सफ़ेद तुलसी। अच्छा अच्छा, ये कब लगाया था आपने ये? ये पिछले साल कलम ला के लगाई थी मैंने। अच्छा, तो ये बड़ा तो काफी हो गया ये। हाँ, एक कलम ये फुट के आसपास। हाँ, ये है। अच्छा, ये वाला पेड़? ये गुड़ल। अच्छा, गुड़ल। हाँ, तो ये क्या काम आता है? इसके जो है लाल रंग के फूल आते हैं। अच्छा, बाकी कहते हैं गठिया बाब और जोड़ों के लिए जो है इसके फूल को जो है कड़ा बना के लिया जाए तो बढ़िया होता है स्वास्थ्य। ये सफेद आक है। अच्छा, जिसको शिव जी के चढ़ाया जाता है। अच्छा, और इसको शुभ माना गया है। जी जी, ये बेरी है। अच्छा, जो ये बड़े बड़े बेर लगते हैं वो वाली है। हाँ। अच्छा, तो ये जैसे अभी तो इसके कुछ लगा नहीं हुआ? हाँ, अभी तो बस कट गई है, दोबारा चालू हुई है अब। अच्छा अच्छा, इसकी कटिंग होती है। ये इमली का पौधा है। अच्छा, ये ऊपर से सूख गया है, अब नीचे फूटा हुआ है। अच्छा, ये गर्मी के कारण सूख गया हुआ? हाँ, ये अब कह नहीं सकते इसके बारे में। अच्छा अच्छा, है इमली का पौधा। जी जी, ये अभी हार श्रृंगार का पौधा है, ये भी गर्मी की वजह से सूख गया। अच्छा, तो ये क्या काम आता है हार श्रृंगार का? इसके फूल भी जो है स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है। अच्छा, इसको दूसरा नाम परिजात भी कहते हैं। अच्छा, परिजात का। ये आपका जाना पहचाना मेहंदी का पौधा है। अच्छा, ये तुलसी जैसा लग रहा है पौधा तो? हाँ नहीं, ये मेहंदी का पौधा है। अच्छा, तो ये जो लगाने वाले हाथों पे लगाने वाली मेहंदी है वही मेहंदी है? तो इसका आप यूज में लेते हो इसको? नहीं, कम ही लेते हैं। अच्छा, ये वापस दोबारा जो है अनार का पौधा है। अच्छा, जिसको मोरिंगा बोलते हैं? मोरिंगा बोलते हैं। इसका जो है A to Z सभी चीज इसके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है। सुपर फूड में भी इसकी गिनती की जाती है। गिनती की जाती है। जी जी, ये अमरूद के पेड़ है। जी, ये अमरूद की वैरायटी आप कहाँ से लाते हो? LG 49 है, संगरिया KV के मेले में परचेज किया थे पौधे। अच्छा अच्छा, ये एक बार फिर से मोरिंगा का है, ये भी मोरिंगा का पेड़ है। और ये बड़े वाला पेड़, ये बेरी का है, ग्राफ्ट लगाया था पर वो ग्राफ्ट काम नहीं हुआ, लोकल रह गई ये। अच्छा अच्छा, वैसे आपको ये पौधे लगाने का शौक बचपन से ही है? हाँ, इतने ज्यादा पौधे लगा रखे हैं आपने? अभी ये आपको ये लाइन में पौधे दिखाई दे रहे हैं जी, ये हर हर कर है। अच्छा, महाराष्ट्र के किसान की तैयार की हुई वैरायटी है जो 5 साल तक लगातार फल देती है। अच्छा, ये 5 साल तक फल देती है? अच्छा, लगातार। जी जी, बाउंड्री बाउंड्री वे आपने ये अरर लगा रखी है? हाँ। जी जी, ये किन्नू के पौधे हैं जी, ये संगरिया KVK से लाके लगाए हुए हैं जी। तो इस बार किन्नू का प्रोडक्शन कैसा रहा आपका? ये मैंने अभी पहले अभी आया नहीं फड़ा, इस बार कोई आएगा? अच्छा, अभी इनकी प्रोडक्शन चालू नहीं? हाँ नहीं, लिया नहीं हमने कभी। अच्छा अच्छा, ये काफ़ी बड़ा पेड़ है ये? ये अंजीर का पेड़ है। अच्छा, अंजीर है ये? हाँ, ये पुराने वाला है। अच्छा, तो इतना बड़ा अंजीर मैंने तो आज तक देखा नहीं, वो छोटे छोटे देखे हैं। ये पुराना जो देसी जो है अंजीर है वो है। अच्छा अच्छा, इसलिए इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको उखाड़ना ही पड़ेगा। तो ये आप जैसे जो फल लग रहे हैं इनका क्या करोगे आप? ये ज़्यादा तैयार नहीं होते इसमें, ये थोड़े से अभी सूख के गिरने लग जाएंगे अपने आप ही। अच्छा,
तो ये डायरेक्ट खा सकते हैं? एक तो दुकानों पर मिलते हैं वो अलग होता है वो। अच्छा। नहीं है, ये देसी है। अच्छा अच्छा, पुरानी वैरायटी है। जी जी, ये सब आलू बुखारा के पौधे लगे हुए हैं। अच्छा, आलू बुखारा। हाँ। अच्छा, ये आलू बुखारा तो ज्यादा तो हरियाणा में इसकी बागवानी है, आलू बुखारा की। पंजाब में भी ज्यादा है। भी है। हाँ। ये 3 साल के पौधे हैं। तो इनके अभी स्टार्टिंग नहीं हुई? ना ना, 2 साल हो गए फल ले रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये कैसा होता है खाने में आलू बुखारा? खाने में सबसे बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। अच्छा अच्छा, पर इसका सीजन तो है, थोड़े दिन का होता है। आपके ये घास ज्यादा है, इसका क्या है? लेबर की समस्या है? लेबर की है। अच्छा अच्छा, बाकी तो नुकसान नहीं करता घास इन पेड़ पौधों को? बाकी जैविक खेती करते हैं इसलिए स्प्रे तो कर नहीं सकते इसमें। अच्छा अच्छा, लेबर मिल रही है। ये बांस का पौधा है। अच्छा, ये बांस है। हाँ, ये भी काफी बड़ा हो गया। ये भी 3 साल का है। अच्छा, पहले हमें ध्यान नहीं था इसकी कटिंग वगैरह नहीं कि ये कटिंग करे तो ये बहुत लंबा चला जाता है। और तो ये अब जैसे ये बांस बड़े हो गए तो इनको आप काटोगे नहीं? हाँ, काटने बड़े, साल बाद में काटेंगे इसको। अच्छा अच्छा, तो जैसे बाउंड्री पे कुछ तारबंदी करनी हो तो तारबंदी के लिए जो है ये काम है। ये आपको पेड़ पौधे लगाने का जुनून कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कुछ इसके बारे में आप बताओ अपने साथियों को। मैंने सन 1972-73 में बीएससी एग्रीकल्चर किया था। अच्छा, आप बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री आपके पास? डिग्री नहीं है वैसे। अच्छा। फाइनल एग्जाम दिया था, एक पेपर क्लियर नहीं किया था इसलिए जो मतलब। अच्छा, ये सेब का पौधा है। अच्छा, सेब है। ये भी 3 साल के है। ये तो कमाल ही हो गया कि आपने राजस्थान में भी सेब की बागवानी कर रहे हो आप। ये केला है। अच्छा, G9 वैरायटी है इसकी। अच्छा, पर ये सिंगल, इसको पानी कम मिलने से ये ज़्यादा बढ़वार नहीं कर सका। अच्छा, तो ये जैसे केले हैं, सेब है, इनको बहुत कम टेम्परेचर चाहिए। हाँ। तो ये नहीं, जैसे इनको टेम्परेचर की कोई, ये वैरायटी जो है 50 डिग्री पर ही होता है। अच्छा, तो ये आप वैरायटी कहाँ से लाए थे? हरिमन 99 है। अच्छा, हरिमन 99। हाँ, बिलासपुर हिमाचल से मंगवाया था। अच्छा, खुद के जो है शर्मा जी से। अच्छा, तो ये आपने इतने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए क्यों हैं, इसका कोई कारण? बस ऐसे ही क्योंकि आपने जो है थोड़ा थोड़ा आइटम। अच्छा, घर के लिए? हाँ, जैसे हाँ, खुद के लिए फ्रूट मिल जाए। हाँ, जैविक है लगाए आपने। ये एक पौधा जो है चीकू का है। अच्छा, चीकू भी। हाँ, इसको पिछली बार तो 3-4 फल खाए थे हमने, इस बार देखो क्या होगा। जी जी। अच्छा, तो इसके 2-3 4 लगे थे पिछली बार है। हाँ। अच्छा, इस बार तो हो सकता है ज्यादा भी लग जाए। फूल तो आ रहे हैं, देखो क्या होगा। ये वाला, ये जो है नींबू। अच्छा, पेप्सी नींबू जिसको बोलते हैं। अच्छा, तो ये इसके अभी जैसे लग रहे हैं छोटे? हाँ, इसमें गर्मियों में कम लगते हैं, सर्दियों में ज्यादा लगते हैं। अच्छा, तो ये अच्छा, ये वाला भी नींबू का है? हाँ, ये 2 नींबू का है, वो उधर 12 मासी लगाया, वो देखो। अच्छा, 12 मासी है। तो ये भी आप नर्सरी से लाए हो या? हाँ, किसी और से? नर्सरी से। अच्छा, अब इसके इसमें नज़दीक से आप सबको दिखाओ भी, ऐसा फल लगता है इसमें। अच्छा, ये अभी काफ़ी छोटे हैं। हाँ, अभी इतना ही रहेंगे ये, इनको हमने कुछ किया नहीं अभी तक। अच्छा, तो कोई वैसे वगैरह कोई खाद वगैरह नहीं डाली आपने? वैसे सीकर के अंदर जो है, अच्छा, सेकावटी नर्सरी के अंदर, उसके अंदर जो है 250 ग्राम से ऊपर चला जाता है एक एप्पल का वजन। अच्छा, तो इसके अभी जैसे मैं देख रहा हूँ 5-6 ही लगे हुए हैं। हाँ, लगे तो काफी थे, पर आंधी के अंदर गिर गए इस बार। अच्छा, आंधी के अंदर गिर गए। अच्छा अच्छा, तो जैसे आप ये जो ये बागवानी ये लगा रखा है आपने, तो पेड़ पौधे इतने सारे, इनमें खुराक क्या क्या देते हो आप? खुराक कुछ नहीं दिया इनमें, जैसा लगा है वैसा ही लगा है। अच्छा, अभी कोई गोबर की खाद वगैरह भी नहीं डाली? कुछ भी नहीं है, बस एक्सपेरिमेंट ये देख रहे थे भी बगैर होता है कि नहीं होता। अच्छा अच्छा, बगैर खाद के? हाँ, बस सब ये जो है पौधे जो है। अच्छा अच्छा, ये भी सेब का पौधा है? हाँ, ये सेब के है। ये भी छोटे छोटे लगे हैं इसके। ये देखो, अब इसको खुराक वगैरह जो है नहीं दी इस बार, अगले साल इसकी जो इसमें कटिंग ज़्यादा रोल है, इस बार कटिंग का जो है ट्रेनिंग लेंगे। अच्छा। फिर कोई पूरा पता चलेगा। अच्छा अच्छा, तो देख सकते हो आप साथियों, ये सेब भी लगे हुए हैं इनके, छोटे छोटे आकार के हैं अभी। तो ये आपने जैसे ये
ये बेड पे लगा रखे हैं पौधे, हैं खाली बना के, नाली बना के। अच्छा अच्छा, तो इनमें पानी वगैरह आप कब डालते हो, कितने दिनों में इसके बाद? पानी इनको कम ही मिलता है, इसलिए कम ही डालते हैं इनको, जो इतना पानी ज्यादा चाहिए नहीं है सेब को। अच्छा, सभी पौधों को चाहिए, सेब को भी नहीं चाहिए इतना पानी? हाँ, इतना नहीं चाहिए। आड़ू को पौधे मैंने 5 लगाए थे, धीरे धीरे करके ऐसी अवस्था में आके सब चले गए। अच्छा, तो ये सूख गया, इसका कोई कारण आपको समझ में नहीं आया? कोई समझ में नहीं आया, इसलिए हमें तो ये भी पानी नहीं इसको सूट किया। तो साथियों, जैसे ये पेड़ सूख रहा है, अगर आपके पास कोई आलू बुखारा का है, आलू बुखारा का है, अगर कोई इलाज हो तो आप जो मदन जी का नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट करके या कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ये जैसे सूख रहा है पेड़, अब इन ये इसका कोई इलाज बताएं आप, अगर आपके पास हो तो। ये 5 में एक पौधा बचा है अभी तक ऐसी व्यवस्था में। अच्छा, ये आलू बुखारा है? आड़ू, आड़ू। अच्छा, आड़ू का है ये? वो आड़ू का है, सूखने वाला, ये भी आड़ू का है। अच्छा, ये आड़ू का है साथियों, ये वाला पेड़। हाँ, अगर कोई इलाज हो आपके पास, ये क्यों सूख रहे हैं इसका कारण पता हो, तो आप मदन जी के मोबाइल पे या कमेंट करके ज़रूर बताएं आप। अब ये 5 में से एक पौधा ये बचा है इस अवस्था में। अच्छा, ये भी अभी सूखने की कगार पे लगा। हाँ, बिल्कुल हो सकता है गर्मी की वजह से सूखे। इसी साल सूखे हैं क्या ये? नहीं, नंबर वाइज गए नहीं। अच्छा, नंबर वाइज जा रहे हैं ये। हाँ, एक एक करके। हाँ, एक एक करके। अच्छा, तो इनके अंदर कुछ आप सब्जी वगैरह भी लगाते हो? हाँ, इसमें जैसे ये 2 कैरे में प्याज लगा है। जगह बची हुई है, लेबर नहीं है, क्या लगाए, मजदूरों की। अच्छा, लेबर की प्रॉब्लम चल रही है। तो साथियों, जो ये बागवानी है, ये उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई आपको राय देनी है, कोई पूछना है आपको इन पौधों से संबंधित, इन पेड़ पौधों से संबंधित, तो आप मदन जी से संपर्क करके पूछ सकते हो। तो साथियों, आज की जानकारी में फिलहाल इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक और किसान भाई के साथ। आपसे उम्मीद है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, इस धरती को हरा भरा करें। धन्यवाद। जय किसान। राम राम।